स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ऊन जो है वो किन किन जानवरों से प्राप्त होती है। हमने पढ़ा भेड़, याक, बकरी, ऊंट, इन सब जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है और इनके शरीर पर जो बाल हैं उनकी हमें कटिंग करनी होती है और उस कटिंग के माध्यम से हम ऊन को उनके शरीर से अलग करते हैं। उसके बाद में उनके रेशे तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पन्ने पढ़ लिया थे। ये देखो घने बालों वाली भेड़ है और ये बकरी हमने पढ़ी थी, अंगोरा बकरी और बकरी। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन बनाने में किया जाता है। तो ऊंट का डायग्राम भी आप देखिए, आपने देखे होंगे ऊंट, तो ठीक है ना। तो ऊंट के शरीर पे भी रवे होते हैं, बाल होते हैं, तो उनके जो बाल हैं उनसे भी और ऊन तैयार की जाती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका भी से भी ऊन प्राप्त होती है। अब इन सब के नाम आप याद रखोगे, पीछे भी अपन ने पढ़ा था, एक नाम पढ़ा था, उसमें भी ये देखा गया था कि याक से, देखिए अपन दोबारा देख लेते हैं कि एक विशेष प्रकार की नस्ल पाई जाती है और उनसे फिर अपन यहाँ पर देखिए, हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। तो उसमें ये पढ़ा था अपन ने, जो याक की जो ऊन है वो कहाँ, तिब्बत और लद्दाख में, ये अपन ने वहाँ पर कल पढ़ा था कि। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि प्रश्न आ जाए, तिब्बत और लद्दाख में जो ऊन मिलती है वो कौन से जंतु से प्राप्त होती है, तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। और यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाई जाती है कौन, अंगोरा नस्ल की बकरी। अंगोरा नस्ल की जो बकरी है वो कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जहाँ से कश्मीरी बकरी की त्वचा से मुलायम बाल, फर वाले जो बाल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, उनसे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखोगे कि किन किन जो कौन कौन से जो जंतु हैं वो कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रचलित है, उनसे वहाँ ऊन प्राप्त की जाती है। अब यहाँ एक नया नाम आया है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ये देखिए लामा का डायग्राम दे रखा है, ऐसा होता है लामा, और ये दे रखा है एल्पेका इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ घने बाल है इनके शरीर पे, देखिए यहाँ घने बाल है, तो यहाँ से इनको काट के और ऊन तैयार की जाती है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन से जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है, लामा और एल्पेका, याद रहेगा दोनों के नाम। अब है रेशों से ऊन तक। अब हमने ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, तो ऊन उनके जो बाल हैं उनको काट के और हम उन रेशों से ऊन कैसे बनाते हैं, तो ये जानकारी अपन देखेंगे कि किन किन प्रक्रियाओं के दौरान हमें ऊन बनाते हैं हम। तो ये देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटकर, उनके शरीर से बालों को काटा जाता है और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कौन सी जानकारी हमें प्राप्त करनी है कि रेशों से ऊन कैसे बनती है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके विभिन्न चरण हैं। यहाँ ये बड़ा प्रश्न आ सकता है कि रेशों से ऊन प्राप्त करने के सभी चरण आप बताइए, ठीक है। भेड़ पालन और प्रजनन, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़रियों को, भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, उतने दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी अपन यहाँ भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ों का झुंड है, बकरियों का झुंड है, ये झुंड जो है, जो गड़रिये हैं जो उन्हें चराने जंगल में जाते हैं, ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पे कुछ हरियाली होती है, तो वो भेड़ों के झुंड को और बकरियों के झुंड को ले जाते हैं। ठीक है, भेड़ शाकाहारी होती है, मांस वगैरह नहीं खाती वो, और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। तो जहाँ जंगल है या कुछ ऐसी जो एरिया है, ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ पर व्यक्ति नहीं रहते, आबादी नहीं होती, वहाँ पे घास फूस उगी रहती है, तो उनको बकरी और भेड़ खा सकते हैं। तो उनको ऐसे अपन बोलते हैं कि चराने के लिए जा रहे हैं, तो जो बकरी चराने के लिए जाते हैं, जो भेड़ चराने के लिए जाते हैं, उनको कहते हैं गरड़िए। तो घास और पत्तियां पसंद करते हैं तो वो उनको वहाँ खुला छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ खा लेते हैं। भेड़ पालक मतलब जो भेड़ पालने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो जहाँ बड़ी संख्या में भेड़ पाली जाती है, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार और खली, खली नाम सुना होगा, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई बच्चा है तो उसको पता है कि खली किसे कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में भी इसको बोला जाता है। और जो भेड़ पालक है, जो भेड़ पालने वाले हैं, वो कुछ तो क्या है कि कुछ व्यक्ति तो अपने घरों में भेड़ रखते हैं, ठीक है ना, और वो गड़रियों के माध्यम से उनको चराने के लिए बाहर भेज देते हैं, और कुछ जो है वो पूरे एक फार्म हाउस रहती है उसमें भेड़ पालन करते हैं, भेड़ों का पालन करते हैं, तो उनको कैसे, उनको कहते हैं भेड़ पालक, भेड़ पालने वाले। ठीक है, वो अधिक संख्या में, ज़्यादा संख्या में भेड़ों का पालन करते हैं, उनका वो व्यापार रहता है। तो वो क्या करते हैं कि भेड़ों को हरा चारा देते हैं, हरे चारे के अलावा और क्या क्या देते हैं, देखो भेड़ क्या क्या चीज़ें खाती हैं, दालें, मक्का, ज्वार और खली, और खनिज भी खिलाते हैं। ठीक है, तो भेड़ क्या क्या चीज़ें खाती है आप ये भी याद रखोगे, क्या खाती है, हरा चारा खाती है और दालें, मक्का, ज्वार और खली। बीज में से तेल निकाल कर जो बचा हुआ पदार्थ है, बीजों से तेल निकालते हैं ना, बीज से तेल निकालने के बाद में जो मटेरियल बचता है, जो भूसा, भूसा टाइप से रहता है वो, तो वो अगर बचता है तो उसको अपन बोलते हैं खली, ठीक है ना, खल भी बोली जाती है खल। तो ये उनको, भेड़ों को खिलाई जाती है और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये भेड़ों के बारे में है कि भेड़ पालन किस प्रकार से किया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, कई भेड़ ऐसे होती हैं जिनके शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल होते हैं। कुछ भेड़ों के प्रकार या नस्लें जो हैं वो इस प्रकार से होती है कि उनके शरीर पर बाल कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। अब जब उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा घने बाल होंगे तो बालों की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ऊन, अपने ऊन मिल सकती है और वो गुणवत्ता भी अच्छी होती है उनकी। गुणवत्ता अच्छी होने का मतलब है कि वो अच्छी प्रकार की ऊन होती है, ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा में तो मिलती ही है, बाकी वो अच्छी भी होती है। जैसा कि पहले बताया गया, इन ऊनों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। ठीक है, तो जब उनका प्रजनन करवाया जाता है तो उसमें जो जनक है वो
अच्छी नस्ल वाला होता है। अच्छी नस्ल का होने से क्या क्या लाभ होगा कि उससे जो भेड़ उत्पन्न होगी, जो भेड़ पैदा होगी, वो भी अच्छी नस्ल की भेड़ पैदा होती है, मतलब उसके भी शरीर पर घने बाल प्राप्त होते हैं और वो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त करवाते हैं। तो इस प्रकार से जिन भेड़ों की नस्लें अच्छी होती हैं उनके द्वारा प्रजनन करवाया जाता है जिससे अच्छी भेड़ें ही प्राप्त हो जिनके शरीर पे ज़्यादा बाल होते हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बाल अगर उसके शरीर पर आ जाते हैं, तो उन प्राप्त ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। जब उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ऊन हो जाती है तो उनको काट लिया जाता है। तो भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें इस प्रकार से हैं। नस्ल का नाम लोही। अब ये पूरी जो टेबल है वो आपको याद करनी है, आप ये देख लो कि एक एक दिन में आप एक एक आप याद करोगे, ठीक है। भेड़ों की नस्ल क्या है? लोही। ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्रदान करता है और कहाँ होती है? राजस्थान में और पंजाब में। पंजाब में देखो, पंजाब में कौन कौन सी, एक तो लोही है और दूसरी पंजाब में कौन सी है? नाली, जिसको नली भी कहते हैं। ये दो पंजाब में है, ठीक है। राजस्थान में भी देखो ये दो ही हैं, तो राजस्थान में और पंजाब में, इन दोनों में, ये दोनों आप याद कर सकते हो। आपको केवल आज दो याद करने हैं, कौन कौन से? राजस्थान और पंजाब के, ठीक है। राजस्थान में लोही जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन है और जो ये नाली या नली है वो गलीचे की ऊन है। गलीचे देखे ना आपने, गलीचे तैयार किए जाते हैं, तो गलीचों वाली जो ऊन है वो कौन सी होती है? नाली, ठीक है। और ये राजस्थान पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी होती है। हरियाणा में देखो कोई सी भी नहीं है, हरियाणा का ही नाम नहीं है ना इसमें, तो राजस्थान पंजाब और हरियाणा, हरियाणा वाला भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा और कहीं तो है नहीं, तो राजस्थान पंजाब और हरियाणा तीनों में कौन कौन सी होती है? लोही और नाली। लोही अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन है और नाली जो है वो गलीचे की ऊन होती है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद करोगे। अब रेशों से ऊन बनाने वाला अपना टॉपिक जो था वो बीच में रह गया था, वो आगे आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे उसमें। ये देखिए, रेशों को ऊन में संसाधित करना, रेशों से हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, ये टॉपिक हमारा यहाँ था, ये अपन ने पढ़ा था, यहाँ से हम ये पढ़ेंगे, बीच में प्रजनन वाला आ गया था। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, उसमें लंबी प्रक्रिया है। स्वेटर बुनने और शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन, आप लोगों ने देखी है कि ऊन, आपने देखी है सबने कि स्वेटर और शॉल जो बनते हैं वो ऊन कैसी होती है, और भेड़ के बाल भी आपने देखे होंगे जो भेड़ों से कट किए जाते हैं, या भेड़ अगर देखिए तो उनके बाल भी देखे होंगे आपने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि वही जो भेड़ का जो बाल है उसी से ऊन प्राप्त हुई है? नहीं लगता ना हमें कि भाई वही ऊन है क्या ये, लेकिन उसे, उन रेशों को ऊन में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसके देखिए विभिन्न चरण हैं। तो पहला जो चरण है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। भेड़ के जो बाल हैं वो त्वचा की बिल्कुल पतली पतली परत के साथ उतारा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? ऊन की कटाई। उसमें क्या करते हैं? भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से अलग किया जाता है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नाई जो बाल काटने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं वही मशीन
भेड़ के बालों को अलग करने के लिए किया जाता है। देखो, भेड़ की ऊन उतारना, भेड़ के शरीर से ऊन को अलग किया जा रहा था, तो ये ऊन, ठीक है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। अब गर्मी के मौसम में क्यों काटा जाता है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में अगर उसके शरीर पर वो बालों का आवरण रहता है तो उससे भेड़ की भी सुरक्षा होती है, उसको भी सर्दी भी नहीं लगती। हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बनी रहती है। और गर्मियों में अगर वो अपन अलग कर दें तो उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये गर्मियों के मौसम में बालों को काट लिया जाता है, जो दोनों मौसम के लिए सही है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में, और इसको भी ऊन रूपी जो रेशे हैं उनकी आवश्यकता होती है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता, ठीक है। ठीक वैसी प्रक्रिया अपन अपने शरीर से बाल अलग करते हैं। जो व्यक्ति हैं, जो जेंट्स हैं, वो कटिंग करवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो उनके दर्द थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो ठीक उसी प्रकार भेड़ के शरीर से भी बाल जब अलग किए जाते हैं तो उनके भी कोई पीड़ा नहीं होती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत, क्योंकि परत अलग की जाती है तो वो क्या होती है कि अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। मृत कोशिका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो मर चुकी हैं, ठीक है। और मरी हुई स्किन, अपने हमारी स्किन पे अगर कोई जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो अगर मर जाए तो हम उसको अगर उतारे तो हमें दर्द नहीं होता, नहीं होता ना। तो ठीक उसी प्रकार उनके शरीर पर जो पतली परत होती है, उसकी चमड़ी पे जो पतली परत है वो मृत कोशिकाओं की होती है, तो उसको अलग करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके उग जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आप जब कटिंग करवाने जाते हो तो वापस बाल बड़े हो जाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार जो भेड़ है उनके भी वो बाल वापस आ जाते हैं। तो ये तो था पहला चरण कि उनके शरीर से बालों को अलग करना। अब है आपका दूसरा चरण, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। देखिए यहाँ ये टंकी डाल रखी है, इस टंकी में उन बालों को डाल दिया, त्वचा सहित जो बाल उतारे गए थे उनको डाल दिया, और ये दोनों व्यक्ति लगे हुए हैं, और ये पानी है, पानी में इनको धो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से उनको साफ किया जाता है, जिससे जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट उन पे लगी है, या जो भी कीटाणु भी हो सकते हैं, तो वो सब जो है वो पानी से धुलकर और वो ऊन एकदम क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। तो अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त, मिट्टी जो है, डस्ट जो है, वो निकल जाती है, ठीक है, गंदगी निकल जाती है। कहने का मतलब ये कि वो साफ हो जाती है। धुलने से क्या होता है, कपड़े साफ होते हैं, इसी प्रकार से उनको साफ कर दिया, रेशे थे उनको साफ कर दिया। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। अब जो त्वचा सहित जो बाल भेड़ से अलग किए थे उनको पानी से धोना, उनको साफ करना, उनमें से चिकनाई, धूल और गर्त जो है, मिट्टी जो है, डस्ट जो है, उसको अलग करना ही क्या कहलाता है, अभिमार्जन। तो ये परिभाषा आप लिखोगे अपनी नोटबुक में और उसको याद करोगे कि अभिमार्जन क्या होता है, ठीक है। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मशीन लगी रहती है, मशीन में बहुत सारा पानी होता है और उसमें उस ऊन को डाल दिया जाता है और मशीन के द्वारा ही उनको राउंड किया जाता है, जिससे वो साफ हो जाता है। तो हमने ये दो चरण पढ़े,
इसको साफ करने के लिए सबसे पहला क्या था कि उसको कटिंग करना, और कटिंग भी कैसे करते हैं, त्वचा सहित पहली परत ऊपर वाली जो है, जो मृत कोशिकाओं की बनी होती है उसको अपन अलग करते हैं, और दूसरा चरण क्या था कि हम उसको पानी से धोते हैं। ठीक है, तो ये दो चरण आप याद करोगे, पढ़ोगे इनको। और इससे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि भेड़ों भेड़ पालन में भेड़ क्या क्या चीज़ें खाती हैं, और भेड़ कितने प्रकार की होती है, नस्लें क्या क्या होती हैं, तो मैंने आपको तीन नाम बताए हैं, राजस्थान पंजाब और हरियाणा। ये तीनों नाम आप याद करोगे, और नस्ल के नाम क्या है, दो है, लोही और नाभी। ठीक है, तो इतना आप पढ़ोगे, इनको याद करोगे, जो मैंने लिखने के लिए आपको कहा वो आप लिखोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।